पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई है और वो इस समय अब सड़कों पर आ गई है क्योंकि अब रोड शो का जो एक दौर है वो शुरू हो गया है। 10 तारीख को वोट पड़ने हैं और यहाँ पर सियासी गर्मी बढ़ रही है। आप देखिए कि कैसे अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ लगातार जो उनके फैन फॉलोइंग है वो इतनी बड़ी है और ये शामली की सड़कों पर हम इस वक्त खड़े हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है। देखिए, सवाल ये है कि क्या गन्ना किसानों की कीमत समय पर मिलेगी और जो बकाया है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि आय दोगुनी होगी किसानों की और जिस तरीके से कमाई लगातार नीचे जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है तो किसान परिवार के घर में खुशहाली नहीं है। तो जब सवालों का जवाब नहीं आएगा किसी के पास, स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद कर दिया, शिक्षा का क्षेत्र बर्बाद है, रोजगार है नहीं, तो गर्मी तो स्वाभाविक आएगी। जो खिसियाता है, जिसके पास जवाब नहीं है, वो गर्म होता है। गर्म वो नहीं होता है जिसके पास जवाब हो। जिसके पास जवाब नहीं है वो ज्यादा गर्म है। इसलिए ये गर्मी सर्दी की बात नहीं है, सवाल ये है क्या किसान खुशहाल होगा कि नहीं होगा। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भाईचारा है। अच्छा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बनाम भाईचारा है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री की भाषा है उस पर भी आपने सवाल खड़ा किया है। क्या लगता है कि इस समय जब चुनाव चल रहा है तो ऐसी भाषा, इस तरीके की बातें करना किसका अधिकार क्षेत्र आता है, कैसे ये सारी चीजों? मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों को नोटिस करेगा और स्वाभाविक है इलेक्शन कमीशन देख रहा है आचार संहिता का उल्लंघन होगा भाषा के रूप में या नियमों के रूप में, वो जरूर इस बात पर देखेगा कि आखिरकार एक भारतीय जनता पार्टी हारती हुई पार्टी की भाषा क्या है। और जो जिस तरीके से किसानों का समर्थन हम बाहर देख रहे हैं, ये पूरा जो बेल्ट है वो आपने भी कहा कि गन्ना बेल्ट है और किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पड़ा, तो उनकी अपनी भी मांग है, बहुत सारी तकलीफें हैं किसानों के पास, उनके लिए आपके पास क्या रोड मैप? समाजवादी पार्टी ने तय किया और गठबंधन ने कि आने वाले समय में किसानों को अपने गन्ना भुगतान के लिए धरना नहीं देना पड़ेगा और जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी गन्ने के पैसे की 15 दिन के अंदर भुगतान होगा और इसके लिए चाहे फार्मर्स कॉर्पस फंड बजट से बनाना पड़े, समाजवादी पार्टी की RLD की सरकार बनने के बाद बनाया जाएगा। अच्छा, एक बात हो रही है, बड़ा ध्रुवीकरण की चर्चा है, खास तौर पे जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ध्रुवीकरण की चर्चा और तेज हो जाती है और बहुत सारी बातें उसी से निकल करके आती है। आपको लग रहा है क्या कि इस बार जो पिछले 3 इलेक्शन में हुआ था 14, 17 और 19 में, उस तरीके का ध्रुवीकरण फिर से हो सकता है? ये चुनाव किसानों ने अपने मान सम्मान से जोड़ा है। किसानों ने जो तकलीफ और परेशानी का सामना किया है, 700 किसान शहीद हुए हैं, न जाने कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं, ट्रैक्टर नहीं चला सकते थे, डीजल नहीं भरा सकते थे ट्रैक्टर में, जब आंदोलन और अपने हक के लिए गए तो किले लगाई गई, बोल्डर लगाए गए और न जाने कितने मुकदमे लगाए, लेकिन किसान झुका नहीं। 700 किसान शहीद हुए, उसके बाद भी किसान नहीं झुका। अंतोगत्वा सरकार को वोट के लिए वो तीनों कानून वापस देने पड़े। भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी करेगा तो किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। अभी इस वक्त कैराना वाले इलाके में है, शामली कैराना है, तो क्या लगता है कि ये जो कैराना वाला मसला है, अंतिम सवाल, आखिरी सवाल कि क्या कैराना का मसला, जिस तरीके से अमित शाह भी गए, योगी आदित्यनाथ भी गए, कोई मसला? अमित शाह जी को थोड़ा और आगे चला जाना चाहिए था, उत्तराखंड में जहां पर 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की रिपोर्ट बनाई थी, आखिरकार वहां क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार राजनीतिक पलायन होने जा रहा है, इसलिए निराश है। जनता आक्रोश में है, जनता इनका तिरस्कार कर रही है, इनके विधायक इनके नेता गांव में नहीं घुस पा रहे और जिस तरह की घटना लखीमपुर में हुई है, इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शर्म से अपना झंडा उतार लिए हैं। तो चलिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी एक तरीके से रथ है और उस रथ पर सवार है अखिलेश भी है, साथ में इधर जयंत भी, हम जयंत से भी बात करेंगे, लेकिन अखिलेश साफ कहते हुए कि इस बार माहौल बदला हुआ है और जिस तरीके से ये पूरा जो चुनाव है वो भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। कैमरामैन मनीष शाह के साथ कुमार कुणाल, शामली, आज तक।